भाई बंद चढ़ाना तो धर्मशाला भी है, यहाँ अपने परिवार के नाम से सामान का चढ़ाओ तो सुरक्षा भी रहता है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ब्लॉग। फाइनली अभी मैं विरार में, विरार यानी मुंबई विरार, जुदानी माता मंदिर घूमने आए हैं। तो कुछ इस तरह का नजारा है भाई, अभी अभी हम लोग जा रहे हैं। ये पूरा क्या है मेरे को कोई कंफर्म नहीं है, अब आगे जाके कंफर्म होगा। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहो, वो कम लोग एंजॉय करते हो, और मेरे पास ओनली फोन बस है ना। तो ये मंदिर वहां से दिख रही है, देख सकते हो ये मेन गेट है, और काफी ऊपर जाना है। सो तो ब्लॉक पर मैं थोड़ा प्रसाद वगैरह लेके आपसे बात करता हूँ, है ना। तो ब्लॉक पर बने रहिए, मिलते हैं डिटेल्स। सो तो ये मंदिर है, ऊपर आ जाऊँ। यहाँ पे मंदिर है, हम लोग यहाँ से आए, देख सकते हो यहाँ पे चेकिंग वगैरह हुई है। यहाँ क्राउड मतलब शोर बहुत ज्यादा है इसलिए मैं, और यहाँ पे गणेश जी की मंदिर है, देख लो ये गणेश जी की मंदिर है। और यहाँ से हम लोग तो अभी हम लोग जाएंगे कुछ, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, और ये पूरी सीढ़ियाँ ऊपर से जाएंगे लोग, ये पूरी सीढ़ियाँ है भाई, ये सीढ़ियाँ है। और ये यहाँ पे बकरे की शायद बलि वली दी जा रही, पता नहीं क्या चल रहा भाई, अलग ही रूल है इधर का। तो क्या चल रहा भाई, वो यहां से हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ भाई। और ये दुकान है पूरी, ब्लॉक पर बढ़ बोले गया दो पैसा चल लो, के पैसा दो नहीं ले लो। अभी जा रहे ऊपर की तरफ भाई, आवाज है बहुत ज्यादा है देख लो। और भाई साहब काफी ऊंची सीढ़ियां है यार, पूरे बाप रे भाई, काफी भाई सीढ़ियां है यार, मैं तो अकेले ही हूँ, देखते हैं भाई कहाँ तक चढ़ पाते हैं, है ना। मजा बहुत आएगा चढ़ते हुए, है ना। भैया ले लो बैठा, भैया हो गया, हो गया, ले एक किलो ले। थैली में देगा भैया प्लीज, रोजी रोटी है पूरा। भैया तो भाई प्रसाद ले लेते हैं यार यहाँ पे, और चलते हैं देखते चढ़ाने नारायण मिलता है, प्रसाद में ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर देखते हैं क्या चलते हैं आप, है ना। चलिए भाई प्रसाद, कैसे में चढ़ाओगे, पूरा सामान में चढ़ाना है, कैसे में चढ़ना है आपको, बता दो कर लूंगा देखो। पूजा वाला एक छोटा चढ़ाओगे 150 वाला रहता है, मेरे में चढ़ाना है तो 150 वाला भी है, यहाँ अपने परिवार के नाम से सामान का चढ़ाओ तो सुरक्षा भी रहता है, शादी का सामान चढ़ाओगे तो तुम्हारे नाम से मांगे मतलब अंदर पौधी फटेगी मंदिर तक, वो 300 रुपया सामान रहेगा, पूरा सामान रहेगा रहेगा कि अलग से भी रहेगी सामने ये इसमें बेड़ा भी आएगा ये तो सही। वो, सॉरी। तो भाई ब्लॉक करोगे क्या थोड़ा सा, जिंदा ही है। सामान देने के लिए भाई 200 रुपये का प्रसाद दिए हमें यहाँ पे, और चलते हैं आगे, खाना बड़ा नहीं खाते हैं आप लोग, ठीक है भाई, थैंक्स भाई। एक नंबर खाली यार आ रही, ब्रेक करने के बाद निकलते हैं यार, अभी काफी जगह में बाकी एक बार खड़े होकर और दिखा देता हूँ। कितना नीचे से आया हुए हम, और अभी कितना ऊपर जाना है भाई, ये देख लो। तो बने रहो चलते हैं, और भाई देखते हैं कितना क्या बात, जैसे मेरा पैर दर्द कर रहा है अभी, है ना। तो बने रहो आप, चलते हैं भाई। लोग घूर घूर के ऐसे देख रहे हैं कि क्या बोलूं मैं, तो वैसे मेरे को घूर घूर लगता है, पहली बार देखा किसी का वीडियो बना के, है ना। भाई भाई साहब अब ये सीढ़ियां लाल लाल क्यों है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है।
आगे जाके मैं किसी से कंफर्म करूंगा, है ना। चलो आगे जाके फिर कंफर्म करता हूँ किसी से कि भाई ये सीढ़ियां में लाल लाल क्यों हो गई है। माता का मंदिर है तो कुछ मान्यता तो होगी। मैं तो थक गया यार, सच बोलूँ ना, फिर से थक गया, फिर बैठना पड़ेगा मेरे को अभी। भाई हरियाली आ गई ऊपर तो। पहले मलावा खा लिया तब बात यार, जब खाए के बाद में तो चलो कहीं तो बैठने पड़ेगा फिर से। भाई थक गया मैं उतना दूर जाते आते, है ना। तो बने रहो, चलते हैं। बगल में एक रास्ता है और इधर से, मैं तो थोड़ा थक गया हूँ यार। बने रहो, मिलते हैं। कॉफी ऊपर है यार। भाई अभी लग रहा है यार ऊपर है अभी। पहले से थक गया मैं, अभी देखते हैं तक जाते। थक गया मैं सीधा बताऊं नहीं, ये लग रहा है एक जगह बैठ के बस थोड़ा वेट करो और फिर निकलते हैं। काफी दूर है यार। सो तो नीचे का नजारा देख लो यार, यहाँ पूरा झाड़िया है ना। यहाँ पे पूरी झाड़िया वगैरह है, बराबर दिख नहीं रहा है। अब मैं भाई पसीने से एकदम लथपथ हो गया हूँ, ये बहुत दूर है यार। अभी ऊपर जाना ही होगा जहाँ तक है। तो देखियो लोग आ रहे हैं दर्शन करके, इतना क्राउड नहीं बोलते, संडे के दिन काफी क्राउड रहता है। अभी आज इतना ज्यादा क्राउड नहीं है, पर देखते हैं ऊपर क्या कैसा मिलता है। पहला एक्सपीरियंस हो गया अकेले, सब जितनी जगह गया तो आदमी अकेले ही रहता है ना। पसीने देख रहे हो यार, हालत गंभीर हो रही है मतलब पूरा। ये आ रहे हैं सब, और ये देखो नीचे का नजारा कुछ ऐसा है। तो बने रहो, चलते हैं यार कुछ देर से, थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे, आराम करते हैं। 3 बार हो गए बैठ चुका हूँ मैं आधे समय, है ना। देख लो भाई ऊपर जा रहे हैं अभी, ये पे बैठे मिलते हैं कुछ देर तक। ब्लॉग पर बने रहो, तो काफी रेस्ट हो गया यार, अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। ब्लॉग पर बने रहो और चलते देख के भाई अभी कितना दूर है, काफी ऊपर तो आ गए हैं, है ना। ब्लॉग पर बने रहो, चलते हैं। तो भाई अभी ऊपर का नजारा देख लो भाई, है ना। तो बने रहो, चलते हैं। यहाँ पे सॉन्ग चल रहे हैं, इस्टा इस्टा तो टाइम पास चल रहा है ना। तो बन रहा हूँ, चलते हैं। क्राउड ज्यादा है यार इधर से। भाई साहब बेटा बेटा पसंद आए तुम्हें, अरे यार। तो भाई काफी क्राउड है यार, किधर भी दुकानें वगैरह हैं देख लो। और ऊपर जाना है यार, तो अभी काफी ऊपर आ गया यार। एक बार नीचे का नजारा दिखाता हूँ यहाँ से, है ये। अभी हम लोग को और ऊपर जाना है, और वो देखो भाई कुछ दिख रहा है नीचे का, बहुत ऊंचे में यार। ऊपर चढ़ के दिखाते हैं भाई, नीचे कुछ दिखता है नहीं, है ना भाई। अभी ऊपर तो क्राउड नहीं है, काफी लोग उतर गए हैं वो करके, और मैं बस अकेले मैं प्रसाद लेके निकल जा रहा हूँ, और भी काफी लोग पीछे आ रहे हैं। ये देखना है भाई कितना ऊपर है। तो भाई ये देख सकते हो अभी काफी ऊपर जाना है ना।
बने रहो, चल के दिखाते हैं यहाँ। यार काफी ऊपर आ गया हूँ, काफी ऊपर आके बैठे हुए भाई, फिर थक गया हूँ हनोई से बार बार आने का भाई, थक जाते हैं। अभी काफी इतना ऊपर मेरे को कंफर्म नहीं। यहाँ पे कुछ ये लोग बैठे हैं और यहाँ से हम लोग आए थे और अभी यहाँ से जाना है ना। देखते हैं भाई क्या मिलता है आगे चल के, बने रहो ब्लॉक पर। यहाँ पे भी दुकान है भाई, लास्ट तक दुकान है। हम लोग लग रहा है भाई ऊपर पूरा खाली है, तो ये भी दुकान देख लो एक यहाँ पे। ये भी दुकान ही है भाई, हम लोग को लग रहा था भाई ऊपर कुछ नहीं है, ये दुकानें हैं। और जान ये भी इधर भी दुकानें हैं, काफी ज्यादा दुकानें वगैरह है यार, है ना। तो अभी जाने का किधर से है, किधर से होना चाहिए, इधर से। तो चलते हैं, अभी बने रहो ब्लॉक पर। ऊपर जाने का रास्ता इधर से दादा। अभी दे चला भाई काफी अच्छी अच्छी दुकानें हैं यार इधर, तो देख लो। यहाँ से ऊपर से सीढ़ी है, उसी चलते हैं से। तो यार ये तो बंद है यार, इधर से आई क्या भाई, आगे से जाना पड़ेगा क्या भाई। एक मिनट भटक रहा हूँ मैं, वही देख लो तो ऊंचाई पे है। अकेले ऐसा लग रहा हूँ अकेले में ही भटक रहा हूँ यार, बाकी सब पहुंच गए ना। यहाँ से दिखाते हैं, निश्चित होंगे समझ में आता है। बढ़ते तो बड़ा कबाड़ा लग रहा है भाई, है ना। अभी भी काफी अच्छा दिख रहा है, काफी सीढ़ियां हैं यार, सभी थक गया है यार चढ़ते चढ़ते में। देख लो ये सीढ़ियां है ना, और इसमें शायद दो लोग ऊपर जा रहे चढ़ रहे, और एक मैं चढ़ रहा हूँ बस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, क्योंकि मैं फर्स्ट बार आया था, और पहली बार का एक्सपीरियंस यार, आने के बाद ही कंफर्म होता है, मतलब कंप्लीट होने के बाद ही। जबकि पूरा कवर कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जो भी मेरे को मालूम है, इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं है तो कैसा है। हालांकि वीडियो देख लो, मेरे को अभी तक टोका नहीं है। दुकान इधर भी है, अब यहाँ क्या है मालूम नहीं, देखते प्लास्टिक पर से देखते हैं क्या होता है। नहीं गार्ड साहब बैठे हैं यहाँ पे, देखते हैं। भाई यहाँ पे लिखा तो है मंदिर का मार्ग, मंदिरा कालिडा मार्ग इधर, स्वच्छ रास्ता भाई साहब। तो बने रहो भाई साहब, पहुंच गए। अभी देखा जाए तो यार क्राउड काफी ज्यादा होता होगा, इसलिए ऐसा बना के रखा है बैठने के लिए। और अच्छे दो लोग आगे जा रहे हैं और मैं अकेला ही हूँ, देख लो है ना। अभी और सीढ़ियाँ हैं, मालूम नहीं यार कुल कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी इधर, है ना। तो अरे हम चलते हैं ऊपर की तरफ, पूरा भीग गया हूँ यार पसीने से मैं तो। ये घंटी है भाई, बस लाइन से ओनली 3 लोग जा रहे हैं बस, और ऊपर कोई दिख नहीं रहा है। अब आगे कौन मिलता है मालूम नहीं यार, कोई कॉलेज के लड़के ये लोग। तो बने रहो, काफी सीढ़ियां वगैरह है यार। यार हम लोग यहाँ तक तो आ गए हैं, काफी अच्छा नजारा दिख रहा है इधर से, और मेरा बड़ा हार्ड टाइम से तक निकल रहा है इधर को। फाइनली मंदिर के दर्शन हो गए, ये यहीं पे मंदिर है भाई, माता भी है यहाँ पे।
वीडियो वगैरह बंद करवा दिया था भाई। ऊपर जा रहे हैं अभी, प्रसाद वगैरह वहां पे चढ़ा भूल गया है, समझ हो गया। ऊपर भी देखते हैं भाई, ऊपर क्या है, काफी क्राउड जा रहा है ऊपर की तरफ। देखो यार काफी क्राउड जा रहा है ना। तो बड़े रोज चलते हैं इधर। अरे अरे भाई यहाँ पे नादिया बाबा है यार, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे काल भैरव है उस मंदिर पे। ये काल भैरव है यार, काल भैरव को देख सकते हो। काफी क्राउड और यहाँ पे माता है कोई, महाकाली देवी दिखाई देती है। ऊपर भी देखते हैं क्या वो सीधे रहे, तो जान ही जाएगा इधर हां क्या रहे नीचे चलेंगे ऐसा है चलो ठीक। ये एग्जिट वाला बोल रहे हैं नीचे जाने के लिए, बाहर लिखा तो है एग्जिट पर, ये बोलते हैं नीचे जाने के लिए। ब्रिज वगैरह होगी, आगे चलते हैं, देखते कुछ नजारे इधर से है ना, तो बने रहो। चलो गार्ड वगैरह घूम रहे हैं, ये गार्ड घूम रहे हैं, मेरे को देखेगा तो बोलेगा भाई बंद कर। बताओ तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं नजारे कुछ। कृष्ण जी के मंदिर है यार यहाँ पे। इधर क्या से देखते हैं तो साड़ी वगैरह मिल रही है भाई, इधर से कुछ माहौल देखते हैं क्या है। प्यास बहुत लगी है क्योंकि भाई मैं थक गया हूँ। तो यहाँ देख व्यू दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ से कुछ व्यू दिखाता हूँ। ये भी इधर एक मंदिर है, तो यहाँ से कुछ व्यू दिखाता हूँ। यहाँ का काफी धूप हो गई है, बहुत ज्यादा धूप है, काफी धूप है, तो एक बार दिखाते हैं भाई। भाई बिल्डिंग पे छोटी छोटी लग रही है वहां से पूरा। तो यहाँ जो मंदिर, यहाँ पे गौ माता करके है, और भाई यहाँ पे जालियाँ वगैरह लगी है, देख लो। यहाँ पे पूरा जो भी प्रसाद वगैरह पन्नी वगैरह बांध के रखा भी है, कन्फर्म नहीं मेरे को, इतना बारे में जानता नहीं हूँ। गौ माता का और बछड़े के साथ में मंदिर है पूरा। यार काफी ज्यादा क्राउड हो गया था अंदर, अंदर का वीडियो ले नहीं पाए, और भी गार्ड वगैरह है तो मना करते हुए है ना। तो शीशा भी था जो भी आया होगा, आप लोगों को क्लियर मिल जाएगा वीडियो में। तो मेरे साइड वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ एक्सपीरियंस बाहर से दिखाएंगे हम, प्यास हो गए फिर से लेंगे पानी वगैरह ना, काफी टाइम हो गया इधर। ऊपर काफी ज्यादा क्राउड है, दिखाऊँ देख लो, काफी ज्यादा क्राउड है। जो मेन मंदिर है वो नीचे है, ऊपर वो छोटी छोटी मंदिरें हैं। तो थोड़ा बने रहो, चलते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट सिनेमैटिक शॉर्ट्स लेंगे अभी, और मैंने थोड़ा कवर ही कर लिया एक बार है ना। तो यहाँ पे भाई सिक्के चिपका के रखे हैं, ये मालूम नहीं मेरे को, देखो दिखा दें भाई यहाँ से नजारा। ये एग्जिट वाला रास्ता है, ये लोग इधर से आए और बाहर जा रहे हैं है ना। देखो इधर से नज़ारा बाहर का, नीचे का भाई, कुछ दिख रहा है भाई? बिल्डिंग को देखो, इस तरह की दिख रही है। इतना साफ मंदिर है, साफ नहीं कर रहा।
हाँ भाई वही बात, इतनी बड़ी मंदिर है, साफ देखी है, मंदिर है साफ नहीं कर रहा, क्या मिलेगा अभी। प्रसाद तो लिया है, फूड भी लिया है, पर क्या इधर है साइड में बात की क्यों रखते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या ये प्रसाद। पागल हो गए, पागल हो गए, घर के लेके घर तुम ले सकते। क्या है ना, जब से आया तब से देख रहा हूँ पूरे लाइन पे बाधा हुआ है, पागल हो गए, वापिस लेके नहीं आते प्रसाद, लेके जा घर से, पागल लोग बांध के ले गए। अरे यार सब बेवकूफ है, प्रसाद लोग बांध के रखे हैं, प्रसाद चढ़ाया हुआ प्रसाद यदि भगवान तुम चढ़ाओगे तो खाओगे, नहीं तो क्या। वही तो प्रसाद तो खाना चाहिए ना, वो बेवकूफ आदमी है, हम तो कहे को घर पे लेके जाने की भैसा का धंधा करिए हम लोग, वही तो वाला पूरा पूरे लाइन पे बांधा हुआ है, ऐसा क्यों हो सकता है, ले जाना चाहिए प्रसाद 50 का चले जाना चाहिए। हां बिल्कुल बिल्कुल, और प्रसाद घर भी लेके जाना, मतलब क्या लेके जाए, लेके जा शांति दे रहे हैं बाबा, थैंक यू दादा, थैंक यू थैंक यू, 50 का चले नहीं प्रसाद है दादा, मान मत उनको बोल लूं तो लेके जा सकते हैं, तो यार बुत्ती सुलझ गई है अभी तो, वो बहुत भारी है ना इसमें, ये सब पागल पागल कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या है, चलो देखते हैं ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते बिजनेस ब्लॉग में, तब तक के लिए बाबा जान लव यू ऑल। इसका लोकेशन मैंने मेंशन नहीं किया था, तो मैं फाइनली नीचे उतर गया हूँ, नरसोशन करके प्रसाद वगैरह फिलहाल वहाँ से थोड़ा आ गया हूँ नीचे, मतलब बस ये जाने का ही रास्ता है यहाँ से, बस दिखा ये बाहर आ गया हूँ। तो इधर का इसे कैसे आ सकते हैं, इसका लोकेशन जो है, तो इसका नियरेस्ट लोकेशन रेलवे स्टेशन है विरार, यानी वेस्टर्न लाइन का जो रेलवे स्टेशन है विरार, इधर के वहां से हम लोग 2-2.5 किलोमीटर में है, हम लोग वहां से कहीं भी आपको कह देते हो, मतलब वेस्टर्न लाइन में आपको आना पड़ेगा विरार, विरार रेलवे स्टेशन लोकल का जो, और यहाँ से आप लोग रिक्शा ऑटो वगैरह से आ सकते हैं या पैदल भी आ सकते हैं, मैं तो ज्यादातर पैदल ही आया था गूगल मैप के सहारे से, है ना। तो वीडियो सर, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल, और मैं भी काफी थक चुका हूँ यार, तो मैं चलता हूँ घर की तरफ।